जनपद रायबरेली के बछरावा में एक फुटवियर की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग दुकान में लगभग रात को 10:30 बजे लगी। दुकान के बाहर धुआं उठता दिखाई पड़ने से स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जूता व्यवसायी और फायर ब्रिगेड की टीम को दी। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दुकान में रखा लाखों का माल देखते ही देखते राख हो गया। ये जो है एक दुकान में आग लगी है, क्या है पूरा मामला? ये जिस तरीके से पछरावा मुख्य चौराहे का मामला है और चौराहे थाने के जस्ट 20 से 30 मीटर के बगल में एक रेडीमेड कॉम्प्लेक्स और शूज स्टोर के बगल में शूज स्टोर की दुकान है, उसमें आग लगी हुई और भीषण आग लगी। इसमें मैं नहीं कह सकता कि कितनी क्षति होगी व्यापारी को, लेकिन निश्चित तौर पे क्षति हुई है। क्या है और जिस तरीके से क्षति हुई है और लोगों को कहना है कि फायर ब्रिगेड को फोन करने के बाद भी फायर ब्रिगेड समय पे नहीं पहुंच पाई। अच्छा। लगभग 45 मिनट बाद फायर ब्रिगेड पहुंची, इसके वजह से व्यापारी काफी नुकसान हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि दोबारा करे कि अगर जब सुविधा न करे घटना हो और घटना होती है तो जो सरकारी सुविधा है फायर ब्रिगेड की सुविधा है आग बुझाने के लिए वो समय से पहुँचे। आपको क्या लगता है किस वजह से आग लगी है? देखिए ये तो जांच का विषय है किस तरीके से आग लगी है, लेकिन मेरा मानना है, मैं एक अनुमान लगा कह सकता हूँ कि क्योंकि लगभग आग जो लगती है शॉर्ट सर्किट लगती है, क्योंकि ये जांच हो तो पता चलेगा आग शॉर्ट सर्किट लगी है या इसका मुख्य वजह क्यों है, और जांच के बाद पता लगेगा कि आग क्यों लगी है। धन्यवाद।